हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं करेले की कलौजी। तो यहाँ मैंने करेले ले लिए हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ग्रीन वाला करेला ले ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको अच्छे से छील लेंगे। देखिए ऐसे छीलते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से ही छीलते हैं। और इसी तरीके से हमको सारे करेले को छील लेना है बढ़िया से। और इसको मैं पहले से वॉश कर लिया था और देखिए छीलने के बाद मैं अच्छे से इसको साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसी तरीके से सब करेले को छील ली हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। फ्रेश है करेला मेरा, एकदम फ्रेश दिख रहा था मुझे। और अब इसके अंदर कट लगाएंगे तो पता चलेगा कीड़ा है कि नहीं है। तब तक चलिए हम यहाँ तक मसाला रेडी कर देते हैं। यहाँ लहसुन मैं खलबट्टे में कूट ली हूँ। खलबट्टे में कूटने से स्वाद अच्छा आता है कलौजी में। तो यहाँ मैं लहसुन कूट के ले ली हूँ और इधर मैं हल्दी पाउडर ले ली हूँ, देखिए। और यह नमक है, ये अचार है, आम का अचार था उसका मसाला है, थोड़ा सा ले ली हूँ एक चम्मच। और यहाँ धनिया और पचफोरन को मैंने भून करके इसका पाउडर बना लिया है। और इधर सरसों का तेल पहले से रख लिया है कढ़ाई में। तो अभी चलते हैं करेले को कट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कट करके हम आप लोगों को दिखा सकते हैं। इसको देखिए एकदम फ्रेश है करेला मेरा। अभी सब कट करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए सब एकदम फ्रेश है मेरा करेला, सब बढ़िया था, फ्रेश था, कीड़ा नहीं लगा हुआ था। और मुझे फ्रेश लगा तभी मैं कलौजी बनाने के लिए रेडी हो गई। और मैं बोली कि अब ये फ्रेश फ्रेश दिख रहा है, मुझे इसका कलौजी बनाना है। तो यहाँ चलिए फ्रेंड्स मसाला को मिला लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए मैं मसाला अच्छे से मिला ली हूँ और इसको भरेंगे करेले में। तो देखिए हमने एक करेला ले लिया है, इसमें मसाला भरने लगी हूँ मैं। देखिए इसको ऐसे पुश कर करके सारे करेले को इसी तरह भर लेना है, दबा दबा करके, ताकि ये बाहर ना निकले इसका मसाला। तो इसी तरीके से हमको सारे करेले को भर लेना है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट भी करिएगा आप लोग। मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का। तो देखिए इस तरीके से भरना है हमको करेले। सारा करेला मेरा फ्रेश था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था भरने में। देखिए यहाँ पे भर करके रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पे चलते हैं कढ़ाई की तरफ। और पहले से मैं ऑयल रखा हुआ है कढ़ाई में, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अच्छे से कि आप लोग देख लीजिए इसी तरीके से भरना है। चलिए अब इसको हम फ्राई करने के लिए सब तरफ तेल लगा लगा करके अच्छे से तेल में डुबो डुबो करके हमको रखना है, नहीं तो ये तले में लगने लगता है। ऊपर से थोड़ा सा तेल और डाल लेना है, ये सरसों का तेल है, आप लोग भी सरसों के तेल में ही बनाइएगा, अब बहुत टेस्टी बनता है। मैं तो बहुत बार बना चुकी हूँ लेकिन वीडियो में पहली बार बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए कढ़ाई की तरफ, यहाँ पे गैस को ऑन कर देते हैं। यहाँ इसको स्लो आंच पे ही हमको पकाना है। देखिए यहाँ मेरा पकना शुरू हो गया कलौजी और देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था मुझे। और देखिए बनता कैसा है, ये बनेगा भी अच्छा क्योंकि मसाला मैं जो मिलाई हूँ बहुत अच्छे से मिलाई हूँ। और यहाँ पे देखिए
पक करके रेडी हो गया है। दिखा देते हैं आप लोगों को, अच्छे से देख सकते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा मेरे जैसे। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। देखिए हम यहाँ पे प्लेट में निकाल रहे हैं और बहुत टेस्टी लग रहा था देखने में, और खुशबू भी अच्छी आ रही थी, मसाले की बहुत अच्छी लग रही थी हमको। इसको आप रोटी, पराठे, पूरी सभी के साथ खा सकते हैं। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आप लोग भी ट्राई करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को जब फुल वॉच करिएगा आप लोग। बाय बाय फ्रेंड्स।